नित्या कमिश्नर सर से माफी मांगकर काशवी को फैमिली के सामने थप्पड़ मारती है जब काशवी महिमा को एक्सपोज करने की कोशिश करती है। जब काशवी महिमा को पूरे फैमिली के सामने सच्चाई बताती है कि मोहित अब जेल में नहीं, महिमा ने मोहित की बेल करवा दी। काशवी और दादी के घर छोड़ने के बाद अर्जुन काशवी की पूछताछ करते जब काशवी के ऑफिस पहुंचता है, अर्जुन को पता चलता है कि किसी डेंजर पर काशवी गई है और वहां काशवी की जान को खतरा है। तब अर्जुन उन सिक्योरिटी गार्ड्स के चंगुल में फंस जाता है और वो गुंस अर्जुन को भी काशवी के साथ मरने के लिए छोड़ देते। महिमा रोने धोने का नाटक कर काशवी को झूठा साबित करने की कोशिश करती और अर्जुन को यही लगने लग जाता है कि महिमा झूठ बोलकर अर्जुन को बचा सकती है, तो अब महिमा सुधरने की कोशिश कर रही। दादी भी जगदीश और नित्या का रियल फेस देखकर ये जान लेती कि ये सब महिमा की तरह बिहेव कर रहे, इसलिए दादी भी काशवी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो ये कहते हैं कि उन्हें काशवी की शादी अर्जुन से करवानी ही नहीं चाहिए थी, वैसे काशवी जगदीश को सुनाती है। जब जगदीश दादी को भिखारी तक कह देते तब काशवी कहती है कि अगर आप उन्हें उस घर में पनाह नहीं देते तो क्या काशवी उनके रहने के इंतजाम नहीं करती। और काशवी जब जगदीश को उनके कहे पर सुनाती है, अर्जुन काशवी की एक बात पर भी विश्वास ना कर काशवी को जगदीश और नित्या सच की देवी कहकर अर्जुन के लाइफ से दूर जाने के लिए कहते। और जब अर्जुन खुद कहता है कि उसे काशवी के साथ नहीं रहना, उसके डैड और उसकी मॉम पर वो ट्रस्ट करता है, वो दोनों किसी की भी इंसल्ट नहीं करते। इस सीरियल में अब देखना तो ये होगा कि क्यों फिर से अर्जुन अब काशवी के पीछे जा रहा है और काशवी आखिर किसके जाल में फंसी है, महिमा की या फिर कोई नई एंट्री होगी। क्या काशवी अब जान भी पाएगी बाजवा फैमिली का पूरा सच? देखिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।